हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की 24 आवर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आपके रिश्ते के लिए 24 आवर्स आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे, आप किस एनर्जी में रहेंगे एंड आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, एक दूसरे के प्रति क्या एनर्जी है और क्या कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में आज के दिन में। तो आपकी तरफ इस शफल डेक से हम निकाल लेते हैं 3 कार्ड्स, जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ, और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से भी कुछ कार्ड्स निकाल के। तुम भी आओगे, आ जाओ। ठीक है जी, आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस, नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले उनके लिए बताती हूँ जो लोग ऑलरेडी रिकंसिलेशन में, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, जो लोग रियूनियन में हैं बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रह सकते हैं, कुछ चीजों को लेकर पार्टनर से झूठ बोलने की कोशिश करें, छुपाने की कोशिश करें और पार्टनर के ऊपर छुप छुपा के नजर भी रख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी रियूनियन में किसी डाउट के चलते, वैसे तो आपको ये बिलीव रहेगा आज के दिन में, फीलिंग रहेगी यार सब कुछ सही चल रहा है मेरे रिश्ते में, अभी तो चीजें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको थोड़ा सा शक हो, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने पार्टनर पर नजर रखें। ठीक है, शादी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं खुद के पार्टनर के साथ में, या चीजों को लेकर बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग लेवल पर एनालाइज करें अपने कनेक्शन को। अब उनकी बात करते हैं जो नो कॉन्टेक्ट में है या सेपरेशन में है, आप अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, खुद को बैलेंस करने की एनर्जी है। इवन आप अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, पार्टनर से रिलेटेड शादी के बारे में सपने देखने लगे, सोचने लगे, पार्टनर को छुप छुप के स्पाई करें, लेकिन एक अंदर आपके डर रहे कि कहीं आपके पार्टनर आपको ना देख ले, या कहीं आपने कोई ऐसा स्टेटस लगा दिया, अब क्या होगा, कैसे है कैसे नहीं है, मतलब बहुत सारे इनसिक्योरिटीज को लेकर भी आप अपने दिमाग में चलेंगे। हालांकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अब ऐसे दिख रहे हैं जो बैलेंस हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बाहर बैलेंस तब कर पाएंगे सिचुएशंस को जब अंदर से बैलेंस हो जाएंगे। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट में भी हैं, अपने आप को संभालेंगे, अपनी वाइब्रेशन पे काम करेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है कभी कभार, लेकिन आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी इस रिश्ते को लेकर, अपने हायर थॉट प्रोसेस के साथ आप डील करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, इनकी तरफ तो चैरियट है। ओ चैरियट मतलब ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आ रहे हैं, जिसके पार्टनर नहीं आए हैं आ सकते हैं। आपकी तरफ कोई डिसीजन, सडन कॉल, मैसेजेस आपको रिसीव करते हैं, सुनो मुझे तुमसे मिलना है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ या आई हुई हूँ, चलो मिलते हैं, इस टाइप की वाइब से एकदम से कनेक्शन में जंप होने की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, क्योंकि चैरियट जो है ना स्पीडी आता है हमेशा। नेक्स्ट इज द मून, नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड ओहो 5 ऑफ कप्स। देखिए ऐसे सिचुएशन में भी कुछ लोग आज के दिन में ऐसे हो सकते हैं जिनका रियूनियन हो जाए, मैं फिर भी बोलूंगी क्योंकि वाइब्स स्ट्रांग है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे किसका होता है, क्या कैसी चीजें। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी न्यू मून पर, जैसी एनर्जी आपकी रही है इनकी भी हैवी दिख रही है इस न्यू मून पोर्टल के इफेक्ट की वजह से। जैसे ये बहुत समय से सफरिंग में है, कुछ लोगों के पार्टनर की तबीयत आज के दिन में खराब हो सकती है, कॉन्टेक्ट में है तब भी आपसे बात ना करे खराब हेल्थ के चलते, और जो लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है आपके पार्टनर को कोई चीज की सफरिंग का दर्द बहुत ज्यादा है, किसी बात की टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, स्पेशली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मदर से रिलेटेड, वाइफ से रिलेटेड, इमोशंस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन वाली एनर्जी, जैसे इनके इमोशंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहेंगे, ये बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त रहेंगे, रोएं तड़पें, डेफिनेटली यहाँ पर रोने की एनर्जी आज के दिन में। पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी है, किनके पार्टनर की एनर्जी है, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हैवी एनर्जी से डील कर रहे हैं। इवन ये आपके सामने अपना दुखड़ा रो दें आके कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है, आप इमोशनल हो जाएं, लेकिन आप इनको संभाल लेंगे क्योंकि आज आप बैलेंस हैं। इवन जो लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है, आपके पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं। एंड एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के पार्टनर खुद अपनी लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल, लंबे समय से चली आ रही सिचुएशन का अंत करके उससे बाहर निकल सकते हैं और तब आपकी तरफ रिटर्न आए एक क्लियर कट डिसीजन के साथ, रिस्क लेने की एनर्जी कि जो भी चल रहा है वो एक तरफ, मुझे रिस्क लेना है या मुझे डिसीजन लेना है तो लेना है,
ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की 24 आवर्स के अंदर दिखती है। किसी तरीके का चेंज आने की एनर्जी है 5 से 9 घंटे के अंदर। पार्टनर की तरफ से कोई टॉक्सिक साइकिल एंड हो सकता है, आपको भी वार्निंग दूंगी, अगर पार्टनर की एनर्जी लो है तो संभालने की कोशिश कीजिए। आप मुझे बताते हैं कि मैडम एक स्टेटस लगा दिया, उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया, ऐसा है वैसा है। आपने स्टेटस लगाया ही क्यों? एक बार कोई चीज आपने कर दी, आप बैलेंस नहीं है, सामने वाला बैलेंस नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर रिश्ता क्यों खत्म करना है? बहुत मुश्किल से रियूनियंस होते हैं, तो उसकी कद्र करना सीखिए। मैं ये नहीं कहती कि पार्टनर के पैर धो के पानी पी लीजिए, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। बिना स्टेटस लगाए भी रिश्ता चल सकता है ना, स्टेटस लगाकर क्या दिखाना है? ये स्टेटस सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन का पता चल जाता है। कुछ भी चल रहा हो अंदर, ठीक है, आपको क्लैरिटी लेना हक बनता है, लेकिन जब आप बैलेंस होंगे तभी सामने बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो जो भी लोग स्टेटस को लेकर सोचते हैं आज मैं ये लगा दूं, आज मैं वो लगा दूं, मेरा पार्टनर देखेगा या देखेगी, ऐसा ना करें। अगर समय खराब चल रहा है तो किसी और को भी उस नेगेटिविटी का पात्र ना बनाए, ठीक। सो गाइज, ये थी आपके रिलेशनशिप की 24 आवर्स की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।